का परिवार चल रहा था पूरा, परिवार में बहुत कुछ बचा था, मैं गा नहीं पाया पूरे गीत को, कुछ बचा था। जवाब सुनिए कितना सुंदर दे रहे हैं। जिसने जोड़ के देखा तार, भरते विष्णु जी भंडार, भर जाती झोली खाली, जो आता है पुअर फुल। पुअर माने गरीब, और जो फुल गरीब होता है उसकी खाली झोली भरती है। यानी भगवान के दरबार में जो फुल गरीब होगा उसी की झोली। वो बैंक में आधार कार्ड लगा के देखते हैं, ये फुल गरीब है या आधा गरीब है या पूरा है। मतलब पुअर फुल यानी जो फुल गरीब होगा उसकी झोली भरवा रहे हैं। मतलब जो भाव से अगर कोई पैसे वाला इंसान हो भगवान से कुछ मांगे तो उसकी झोली नहीं भरेगी। इनकम टैक्स वालों को वहां पर कोई काम नहीं है। पैसे वाला हो और वो भगवान से भाव से कुछ मांगे, प्रभु मुझे ये दे दो, तो झोली भरेगी नहीं भरेगी। ना बेटा ना, कहते धन्यवाद, कह देंगे तेरे पास। और एक काफी और लग रहा था, देयर फुल। अब इसका अर्थ क्या होता है देयर फुल? उसका अर्थ तुम कभी नहीं बता सकते। ना बेटा ना, क्योंकि ये पंजीनी वाले स्कूल की पढ़ाई है। और भैया भैया एक मिनट लुका देवर, बस मैं निर्णय समिति का ध्यान देना चाहूंगा, जवाबी कीर्तन वास्तव में इनके बस की बात नहीं है, ये मजदूरी नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इधर दिनेश तोमर की तरफ से साफ सुथरी बात होगी, और तुमने कुछ ताली नहीं बजवा पाए, लेकिन चार पंक्तियां मैं दे रहा हूँ, तालियां सुनना भाई जयवीर जी। हाँ बेटा, कान के पर्दे ढीले हो जाएंगे। इंसानियत इंसान को इंसान बनाती है जयवीर जी, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, लोग यही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। कहो बेटा आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? राहुल भैया ये कार्यक्रम दिनेश तोमर से हो रहा है आज। अब रही बात व्यक्तिगत बातों की, कमेटी ने यह भी कहा था कि गलत शब्द का प्रयोग नहीं होगा, हमारे संचालक महोदय ने। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उधर से कह रहे हैं कि खिसियानी लोमड़ी है, करते जाना जरा, एक एक बात मैं सुबह तक गिनाऊंगा। मजदूरी लोमड़ी है। दूसरी बात, ये पाकिस्तान से कठपुतले बुलाए हैं, नोट करें आप, पाकिस्तान से कठपुतले बुलाए हैं। नामे गीता नामे कुरान लिखता हूँ। समझा जब पाकिस्तान की बात करता है तो सुन बेटे, नामे गीता नामे कुरान लिखता हूँ, लिखता हूँ तो केवल सम्मान लिखता हूँ। जो मेरे भारत को गलत दृष्टि से देखेगा उसकी छाती फाड़ कर हिंदुस्तान लिखता है। हम पाकिस्तान से कठपुतले, ये हिंदुस्तान के रसगुल्ले। ये कार्यक्रम बहुत साल से हो रहा है। तुमने चेक कैसे किया कि हम हिंदुस्तान का पाकिस्तान के मुल्ले हैं या हिंदू हैं? भाई आइए, जो पाया है उसका जवाब सुनिएगा। ये तो समय सीमा का फाउंडेशन है, वरना एक नंबर के बाद इस मंडल को हम गाने नहीं देते। आइए, किसी ने गाया है बेटा? जनता हमारे साथ है तो कोई डर की बात नहीं है भैया। अरे पर्वत से काली टिकटा अरे पर्वत से काली घटाएं टकराएं, क्या हो बरसात हो। अरे जाने कब बरसात हो, जाने कब मुलाकात हो। आप कह रहे थे हड़बड़ा गए, दिनेश तोमर कभी हड़बड़ा के कीर्तन नहीं गाता ना। हम लोग पैसे नहीं जा रहे हैं लखनऊ। अरे जाने कब बरसात हो, जाने कब मुलाकात हो। अरे मेरा दिल बस यही कहे कोई आज मिलन की रात हो। ये भी लगा है, सुनिए बेटा। तू 16 बरस की, आए हाय हाय, मैं 17 बरस का, होए होए होए। अरे मिला जाए एक तो बरस जरा दूर रहना, कुछ
जरा दूर रहना, कुछ हो गया तू फिर को लिखा है। और जरा ध्यान से सुनते जाइए, पहले इनका सुना रहा हूं उसके बाद आप सुनिएगा, और इसमें गलती कितनी उसको सुधारा जाता है। लिखा किसने, बहुत जरा कान से सुन ले जरा। माता सीता कह रही है, रेखा के अंदर घुसे दस तंदर तो क्या हो, स्वर्गवास हो। बिल्कुल गलत, इट इज रॉन्ग। हाँ, इस गीत को फाड़ो, किसी चूरन मारे गए तो चूरन बेचेगा बेटा। रामायण में कहाँ लिखा हुआ है? सीता को पता थी कि दशकंदर है यहाँ पर, सीता माता को तो पता ही नहीं था कि दशकंदर मुझे लेने आए। और माता सीता थी कल, अरे चिल्लू, सीता जी को अग्नि में चली गई थी। जब तक मैं करूँ निशाचर नाशा, तब तक करो अग्नि में पासा। माता जानकी तो थी नहीं वहां पर, तुम कैसे पंडित हो, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। माता जानकी थी नहीं वहां पर, माता जानकी नहीं थी। अब सीता जी वो कह रहे हैं कि स्वर्गवास हो, ये कटपीस ही गलत है पहली बात। और दूसरी राय कह रही है, बेटा ये गणेश तोमर का मंडल है, कोई बीड़ी का बंडल नहीं है, धुआं में उड़ा दो। अरे जाए रण में पूरा मुचंदर तो क्या हो, स्वर्गवास हो। यानी जो माता सीता थी वहां पर उन्हें मालूम था कि रण होगा, इनके हिसाब से उन्हें मालूम था कि रण होगा, उनके पास अखबार से फैक्स आया था कि कल युद्ध तो होगा। कागजों के फूल महकाए नहीं जाते, बातों से ज्यादा पुल बनाए नहीं जाते। रावण भी चाहता था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूं। क्यों लड़ाई सबको ध्यान देगी? रावण भी चाहता था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूं, लेकिन चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद जो आशीर्वाद मिल रहा है, आइए आशीर्वाद की कामना है। यानी पूरा ही कटपीस इनका गलत है। नीचे की लाइन कह रही है, माँ जानकी कह रही है रावण से, इस रेखा से जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। माता जानकी ने कब कहा था कि इस रेखा से दूर हो जाओ? माता जानकी तो ये कह रही थी कि मैं इस रेखा का उल्लंघन करके बाहर नहीं जाऊंगा। और रावण ने कहा, माता मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, आपको रेखा से बाहर आना, एलओसी से बाहर, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब बुलाओ, आइए जवाब सुनेगा, वो तो हम लोग बाउंडर में है। अब्बा जी आप रेखा की चले थे, रेखा खींच करके गए थे लक्ष्मण जी, और जब लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए तो लक्ष्मण जी माता जानकी से क्या कह करके जा रहे हैं सुनेगा क्या? अरे रेखा के अंदर घुसे ना धुरंधर तो क्या हो, कोई भी धुरंधर आ जाए वो रेखा के अंदर नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्यों? ये आभास हो, ये किसी शक्तिशाली वीर ने रेखा खींची, अगर मैं इसको पार करूंगा तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। माता जानकी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कोई भी रेखा के अंदर घुसे,